आज उत्तर प्रदेश की सियासी घमासान में सबसे पहले बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जाटलैंड की, जहां पर हर रोज सियासत गर्मा रही है। मामला अब गर्मी और चर्बी उतारने तक पहुंच चुका है। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गर्मी उतार देगी जनता। इस पर अजीत चौधरी के बेटे, आज हम देख रहे हैं जयंत चौधरी को ये जवाब देते हुए कि जनता दरअसल इनकी चर्बी उतार देगी। जी हाँ, बीजेपी खूब कोशिश कर रही थी जयंत चौधरी को बार बार अपनी तरफ करने की, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तल्ख लहजे में एक तो बीजेपी को जवाब दे रहे हैं और बार बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ प्रचार कर रहे हैं। योगी प्रचार करते हैं, सीधा अखिलेश पर वार करते हैं। ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के दो जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, ये सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था। देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करते हैं और सीधे अखिलेश पर प्रहार करते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया यदि ढूंढते हैं तो तीन ही जगह पे दिखाई पड़ता है। एक तो जेल में दिखाई पड़ता है, दूसरा उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई पड़ता है, और तीसरा अगर माफिया ढूंढना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में देख लीजिए, वहां पर भी दिखाई पड़ता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रचार करते हैं और सीधे अखिलेश पर गरज पड़ते हैं। मैं किसी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन समाजवादी पार्टी को सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। दंगे क्यों ही आपके ही कार्यकाल में क्यों होते हैं? कोई मां का लाल भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में दंगा करने की जरूरत क्यों नहीं जुटा पाता? क्या जवाब है आपके? जी हां, 2022 के यूपी चुनाव में जिस तरह से अब तक चुनाव प्रचार हुआ है, उससे यही साबित हो रहा है कि जंग सीधे बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच है। बीजेपी समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में दंगे और गुंडा राज को तगड़ा हाईलाइट कर रही है, पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम भाईचारा है। स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार ने बर्बाद कर दिया। शिक्षा का क्षेत्र बर्बाद है, रोजगार है नहीं, तो गर्मी तो स्वाभाविक आएगी। जो खिसियाता है, जिसके पास जवाब नहीं है, वो गर्म होता है। गर्म वो नहीं होता है जिसके पास जवाब हो। जिसके पास जवाब नहीं है वो ज्यादा गर्म है। इसलिए ये गर्मी सर्दी की बात नहीं है, सवाल ये है क्या किसान खुशहाल होगा कि नहीं होगा, और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम भाईचारा है। हम आपको बता दें कि इस वक्त लड़ाई पश्चिमी यूपी के लिए चल रही है, क्योंकि चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी से ही हो रही है, और साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने एक तरह से पश्चिमी यूपी से लेकर समूचे यूपी में सूपड़ा साफ कर दिया था। 2017 में यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 325 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को 47, कांग्रेस को 7, बीएसपी को 19 और 4 सीटें अन्य ने जीती थी, जबकि पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी ने 80%, यानी 109 सीटें जीती थी। समाजवादी के हिस्से में 21, बीएसपी 3, कांग्रेस 2 और आरएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। लेकिन इस बार पहले किसान आंदोलन, फिर जाटलैंड में अपना रसूख रखने वाले राकेश टिकैत के आंसू, और चुनाव के वक्त जाट नेता जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन यकीनन बीजेपी को परेशान कर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि सियासी गर्मी और चर्बी उतारने पर बात आ गई है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ही पूरी गर्मी शांत करवा देंगे।
योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी के जो चर्बी चढ़ रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। जाटलैंड की सियासत किस तरह से चल रही है ये अमित शाह की दिल्ली में 250 जाट नेताओं के साथ बैठक से ही साफ हो गया, जिसमें अमित शाह न सिर्फ जाट नेताओं से 2014, 2017, 2019 की तरह बीजेपी को जिताने की अपील करते हैं, जाटों से 650 साल पुराना रिश्ता बताते हैं, मुगलों की याद दिलाते हैं, साथ ही जयंत चौधरी के साथ अखिलेश के गठबंधन पर बोलते हैं और कहते हैं कि जयंत ने गलत घर चुन लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जयंत पसीजने के बजाय सीधे बीजेपी पर पलटवार करते हैं। जयंत कहते हैं कि मैं कोई चमन्नी नहीं जो पलट जाऊं। अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि इस चुनाव में जिन्ना और औरंगजेब नहीं चलेगा। जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान के मुद्दों पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है और नौजवान और किसान की जीत होने वाली, जिसको खुद अखिलेश और जयंत चौधरी ने जाटलैंड यानी शामली में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोटरों से लेकर विरोधियों तक को ये दिखाया कि ये गठबंधन टस से मस होने वाला नहीं है। अखिलेश और जयंत पश्चिमी यूपी में बीजेपी से भिड़ने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। योगी ने यूपी के दो लड़कों के पुराने फ्लॉप फॉर्मूले की याद दिलाई तो अखिलेश ने जयंत के साथ जोड़ी को सुपरहिट बता दिया। ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई, याद करिए। से हमारी और जयंत चौधरी जी की केमिस्ट्री बेहतर हुई है और केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन। और जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं उनका राजनीतिक पलायन उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है, ये भाईचारा का चुनाव होने जा रहा है। सब एकता पसंद कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को पसंद कर रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां न बतानी पड़ जाएं, इसलिए जानबूझ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में अखिलेश जयंत के साथ मिलकर बीजेपी की ब्रिगेड से भिड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके पूर्वांचल में बीजेपी से लड़ने उतरे हैं। लेकिन अखिलेश की ताकत बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी 8 फरवरी को यूपी आ रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन 8 फरवरी को मैं अखिलेश यादव के समर्थन के लिए उत्तर प्रदेश जाऊंगी। हम कई राज्यों से चुनाव लड़ेंगे, गोवा से शुरुआत हो गई है। यूपी की गलियां नेताओं से पट चुकी हैं। चुनावी प्रचार में थोड़ी ढील मिली तो हर कोई दमखम दिखा रहा है। बीजेपी के धुरंधर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। और भाई आपको दिखाते हैं कैसे लखनऊ की लड़ाई को दिलचस्प बना रही है बीजेपी और अपने सियासी बिसात को बिछा रही है समाजवादी पार्टी। इसी कड़ी में एक तरफ स्वाति सिंह जो कि मंत्री थी योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उनकी सीट चली गई है, उनकी जगह ईडी के एक पूर्व जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक को भी सीट बदल दी गई है, यानी बिसात दोनों तरफ से बिछाई जा रही है लेकिन फेर बदल सीटों के बड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने लखनऊ में अपने पत्ते खोले तो बीजेपी के कई नामी चेहरों का पत्ता कट गया। इनमें सबसे बड़ा नाम है स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह का। देखिए ना, जो स्वाति सिंह डीएसपी के खिलाफ मुखर होकर राजनीति में आईं और 3 दशक के बाद लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर जिस स्वाति सिंह ने बीजेपी को जीत दिलाई उन्हीं का टिकट इस बार कट गया। लेकिन ये हुआ क्यों? मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के भी शीर्ष नेतृत्व को कि 5 साल उन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी। मैं ये आशा करती हूँ कि
उसमें मैं जरूर खड़ी उतरी होंगी और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इसका इस काम के लिए मुझे मौका दिया और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूंगी और आधी आबादी की का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ और करते भी रहूंगी, चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूंगी। अब इसे क्या समझा जाए, क्या 2022 की जंग बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है और वो रत्ती भर भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है?